हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के स्वाद का राज। तो आज हम बनाएंगे दाल बड़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा। तो बनाने से पहले चैनल पर नया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल बड़ा। ये उड़द की दाल है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोख कर दिया था और एक्स्ट्रा पानी जितना भी है इसका निकाल दिया है। अब इसको जार में ट्रांसफर कर लेंगे दाल को। ये एक अदरक का टुकड़ा इसको डाल देंगे, 2 हरी मिर्च एंड 7 से 8 कली लहसुन की इनको डाल देंगे और इसका बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए दाल का दरदरा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये 1/4 चम्मच ही नमक डाला है। आप चाहें तो सादा नमक भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है एंड ढेर सारा फ्रेश धनिया डाल लेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले जो हैं बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब 1 चम्मच के लगभग हम दाल का मसाला ले लेंगे, हाथ को हल्का सा गीला कर लेंगे पानी लगाकर और जो हाथ में इसको लेकर गोल गोल कर देंगे एकदम। देखिए चारों तरफ से अच्छे से गोल कर लिया, वहाँ से हल्का से इसको फ्लैट कर देंगे। तो अब ये रेडी हो चुके हैं, सारे भरे एक साथ बना के नहीं रखेंगे, एक एक करके बनाते हुए जाएंगे और तवे पे डालते जाएंगे। तो तवे मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल जो है ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो बड़े बनाए थे इसको बनाकर डाल देंगे एंड दूसरा बड़ा भी इसी तरह से बनाकर डाल देंगे। और एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक दूसरे साइड भी पलट कर सेक लेंगे, इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसको स्लो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे और अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट कर इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। देखिए दाल बड़े का बहुत बढ़िया इसका कलर आ चुका है, अब ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसको चाय के साथ, सॉस के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ इसको खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेस्ट देंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसी न्यू एंड टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।